हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिद्दतुल्ला ज़की आपका अलकलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं एंड आई होप कि आप अच्छे हैं और शायद इसलिए आप यहां हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम, ये क्लास 8 का है। देखें, कंबशन एंड फ्लेम। क्वेश्चन देखिए, इस टॉपिक में हमें यह सब पढ़ना है। कंबशन स्टूडेंट होता क्या है? कंबशन होता क्या है? सबसे पहले हमें समझना है कंबशन होता क्या है। कंबशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कंबशन किसे कहते हैं? कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है ना, जब कोई सब्सटेंसेस क्या है, जब कोई सब्सटेंसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता हो, जलने पर हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंबशन कहते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख लें, पॉज करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। किसी सब्सटेंसेस का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, जलने पर हीट और लाइट का प्रोड्यूस करना, ही क्या कहलाता है? इस पूरे प्रोसेस को कंबशन। किसी सब्सटेंसेस का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, जलने पर हीट और लाइट का प्रोड्यूस करना, इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। CH4, ये मीथेन है, ये आपका फ्यूल है। ये क्या है? आपका फ्यूल है, मीथेन है ना, ये फ्यूल है। जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा, ये क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीजन है ना, तो आपको क्या देगा स्टूडेंट? देखें, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस वाटर है ना प्लस हीट, क्या देगा? हीट है ना। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंबशन कहते हैं। हीट मतलब वही एनर्जी। ओके स्टूडेंट, ये हो गया कंबशन का एग्जांपल। कंबशन में जो सब्सटेंस जलता है यानी जिसको हम जलाते हैं, यहाँ किसको जला रहे हैं? मीथेन को। ये हो गया कंबस्टेबल सब्सटेंस। क्या होगा ये? कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। किस सब्सटेंस कहते हैं? जो सब्सटेंस जलता हो है ना, जो सब्सटेंस क्या ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, जलने पर हीट लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। देखो, मीथेन जल रहा है, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना, मतलब ये कैसा सब्सटेंस है? कंबस्टेबल सब्सटेंस। लकड़ी जलता है, जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो लकड़ी कंबस्टेबल सब्सटेंस है ना स्टूडेंट्स। आइए एक खुद जैसे, तो कंबस्टेबल सब्सटेंस एग्जांपल क्या क्या लिखोगे स्टूडेंट? लिख लो आप, मीथेन हो गया, वुड हो गया है ना स्टूडेंट, मीथेन हो गया, वुड हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, ये सब आपका क्या स्टूडेंट? कंबस्टेबल सब्सटेंस है। एक होता है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, जो जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस ना करता हो है ना, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल रहा हो और जलने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस ना करता है ना, जब कोई सब्सटेंस क्या हो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना जले, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना जले, नहीं जलेगा तो हीट और लाइट प्रोड्यूस भी नहीं करेगा, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहते हैं? नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे रॉक, सैंड है ना, स्टोन, ये सब है ना, ये सब क्या स्टूडेंट? नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं जलता है। आइए स्टूडेंट्स कुछ चीजें और समझते हैं। हमने समझ लिया कंबशन, कंबस्टेबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। आइए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंबशन पर। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन यानी देखिए, कंबशन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है
है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन में सबसे पहले इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होता है स्टूडेंट कंप्लीट कंबशन, क्या होता है कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन किससे कहते हैं, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, एंड प्रोड्यूस है ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या कि कंप्लीट कंबशन उस कंबशन कहते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस जलता हो और जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से जलता हो। कंप्लीट कंबशन का ये मतलब हुआ कि जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल जाए, और मिल जाने पर वो हीट लाइट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता हो उसको हम कहेंगे कंप्लीट कंबशन। कि सब्सटेंस को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए यानी सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसे मिल जाए और मिल जाने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज करता हो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है कंप्लीट कंबशन है। डेफिनेशन लिख लें, कंप्लीट कंबशन का लिख लें, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द सब्सटेंसेस बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे देखो एग्जांपल देखें, मीथेन स्टूडेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला है ना, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट दिया। देखो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज किया, मतलब ये कैसा कंबशन है, कंप्लीट कंबशन है। एक होता है स्टूडेंट इनकम्प्लीट कंबशन, इन कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन किसे कहते हैं स्टूडेंट, ये एक ऐसा कंबशन है किसी सब्सटेंस को जलने के लिए अगर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजन मिलने पर वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करे तो उसको कहते हैं लोग इनकम्प्लीट कंबशन। जैसे एग्जांपल में देखते हैं मीथेन, इसी मीथेन को जला रहे हैं, यही मीथेन जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, ओके स्टूडेंट, ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपको जल रहा है तो जलने पर आपको क्या देना, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन देखिए काफी जहरीली गैस होती है ना, काफी जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी है ना। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हुआ मतलब सब्सटेंस को जलने के लिए इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करा मतलब सब्सटेंस को जलने के लिए सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला, है ना। ये था कंप्लीट कंबशन, ये हो गया इनकम्प्लीट कंबशन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ऑफ सेंस। तो ये था प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आइए अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इग्निशन टेम्परेचर पर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, है ना, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर दे उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मान लीजिए कोई सब्सटेंस जो 30 डिग्री सेल्सियस से जलना शुरू करता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आइए इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख लीजिए, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। आइए कंबशन होने के लिए कौन कौन सी चीज की जरूरत है, है ना, देखिए कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन है ना, कंबशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की जरूरी है। सबसे पहला स्टूडेंट कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना ठीक है। दूसरा स्टूडेंट कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना, दूसरा ऑक्सीजन का अवेलेबल होना, विदाउट ऑक्सीजन जला नहीं सकते, अवेलेबल ऑफ ऑक्सीजन। एंड थर्ड वन इज कंबस्टेबल सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर पर होना, है ना, ठीक है। द सब्सटेंस शुड हैव बी हीटेड to its ignition temperature, है ना, क्या है
कि कम्बशन होने के लिए तीन चीज की जरूरत है, सबसे पहले कम्बस्टेबल सब्सटेंस का, दूसरा ऑक्सीजन का मौजूद होना, तीसरा कि उस सब्सटेंस को क्या है, द सब्सटेंस शुड हैव बी हीटेड, उस इग्निशन सब्सटेंस को जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट देने का व्यवस्था तो हो गया। आप लकड़ी जलाते हो या पेपर जलाते हो, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, मालूम क्यों, इसलिए कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच रहा होता है, तो इग्निशन टेम्परेचर पहुंचाने के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन तीन चीजों की जरूरत होती है कम्बशन होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आगे बात करते हैं, कम्बशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। कम्बशन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है तीन टाइप्स का। एक होता है रैपिड कम्बशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन, और थर्ड होता है एक्सप्लोजन। क्या होता है एक्सप्लोजन? रैपिड कम्बशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि किसी चीज में फौरन आग लग जाना, अपने आप लग जाना क्या कहलाता है, रैपिड। कभी कभी आप देखते हो झाड़ी में अपने आप आग लग गई, रैपिड कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन के लिए आप क्या होता है स्टूडेंट, जैसे थोड़ा सा आप क्या करो कि माचिस है उसको एक बार रफ करो, फौरन जल जाएगा स्पॉन्टेनियस। एक्सप्लोजन क्या है, ये कैसा कम्बशन है जब ये होता है ना, इसमें क्या होता है हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता हो, साउंड प्रोड्यूस करता हो, स्मोक प्रोड्यूस करता हो, है ना। इसमें क्या हो, हीट लाइट साउंड स्मोक ये प्रोड्यूस करता हो, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लोजन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तीन तरीके का कंबशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर कहीं स्टूडेंट फायर एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, तो हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना पड़ता है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना पड़ता है आग बुझाने के लिए। जैसे एग्जांपल में आप समझिएगा कि सपोज डैट कि आपके पास, आप देखते होंगे बैंक या बड़ी बड़ी बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर लिखा रहता है सिलेंडर टाइप का, उसके अंदर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, ठीक है। कौन सी गैस रहती है उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है सिलेंडर में जो डाला हुआ होता है वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। क्यों, क्योंकि जब आप हाई प्रेशर पर, उसमें सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर रखा जाता है, तो जब उसके हाई प्रेशर पर लाएंगे उसको, तो वो अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा, जब प्रेशर को हाई कर देंगे, तो प्रेशर के हाई करने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, फिर जैसे ही निकलता है तो प्रेशर कम होता है तो फिर गैस के फॉर्म में आ जाता है। ओके सर, जो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने के लिए, है ना। अब वाटर का भी यूज करते हैं, है ना, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट हुई हो घर में तो हम लोग वहां पर वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर में, बिकॉज क्योंकि वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वाटर गुड कंडक्टिविटी होगा तो वो तो आप पता चला आप गए थे आग बुझाने, खुद बुझ के चले आओगे, है ना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में वाटर इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम लोग सोडा एसिड इस्तेमाल करते हैं, किसका, सोडा एसिड इस्तेमाल करते हैं, है ना। सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो भी हो, तो आप क्या करना कि जैसे कहीं पर आग लग जाए, आपके घर पे सोडा है, सोडा वहां फेंक दो और कार्बन डाइऑक्साइड वहां सोडा फेंको, एसिड फेंक दो, ठीक है, उसी के ऊपर, तो क्या होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तो वो आग बुझाने में आपकी मदद करेगा। ये स्टेप्स होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्टेप्स समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगली टॉपिक की वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।